हाथरस की तहसील सादाबाद में स्थित एसडीएम कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट में एक सूतली बम फटा और कोर्ट में लगी दीवार घड़ी पंखा आदि सामान टूटा फूटा बिखरा मिला। कोर्ट के कर्मचारी ने तत्काल एसडीएम अभिषेक सिंह को सूचना दी। एसडीएम ने थाना पुलिस को सूचित किया तो थाना सादाबाद पुलिस मौके पर आई और जांच पड़ताल में लग गई। एसडीएम का कहना है कि यह रविवार की घटना है, कोर्ट में कौन आ सकता है और सभी बातों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल यह एक बड़ी घटना भी हो सकती है अगर सुतली बम की जगह कोई बड़ा बम होता तो। ये आज सुबह जब लगभग 9 बजे हम लोग यहाँ ऑफिस में आए हैं तो जो हमारे सफाई कर्मचारी ने उससे पहले जो सफाई करी होगी तो हमारे कोर्ट में कुछ सूतली बम का एक कुल्लर और कुछ धागे मिले। तो हमने आके देखा तो हमारा जो कोर्ट जहाँ हम बैठते हैं उसके ऊपर जो पंखा था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त था और ऐसा ही प्रतीत होता है कि किसी ने वहाँ पर ये सूतली बम लगा के विस्फोट करा है। कल शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास एक धमाके की आवाज़ जरूर आई थी तो हम लोगों को ये था कि या तो कहीं टायर फटा हुआ है कोई ऐसी बात रही होगी और उस समय मामला संज्ञान में नहीं आया। ये मामला आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया। मैंने तत्काल यहाँ कोतवाली सादाबाद के एसओ को बुला के समस्त प्रकरण से अवगत करा दिया है और वो लोग उसकी जाँच कर रहे हैं और हम लोग जाँच करेंगे कि कहते हैं किस प्रकार से कोई आदमी अंदर घुसा और कैसे उसने घटना को अंजाम दिया। बम कितना शक्तिशाली था ये? जो देखिए देसी बम सा कुल्लड़ है उसका हमारे पास अवशेष भी है तो देसी है जो अपना सूतली बम होता है। इसमें कौन लोगों का हाथ हो सकता है? किन लोगों का जिन्होंने कि आपके यहाँ कैंपस उसके अंदर ब्लास्ट किया? नहीं, ये सब अब जांच का विषय है। हम लोग जांच करेंगे कि कैसे किसी ने हमारे कोर्ट में एंट्री पाई जबकि कल संडे का दिन था तो पब्लिक डीलिंग भी बंद थी। तो ये सब जाँच का विषय है, उसके बाद ही मैं कुछ ले पाऊंगा।